मैं गुजारिश कर रहा हूं। अख्तर इलाहाबादी को जब जब मैंने सुना है मुतासिर हुए बेगैर नहीं रहा है। आपकी फिक्र, आपका लहजा, आपकी आवाज, आपके जज्बात ही आपकी तर्जुमानी है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फिलहाल तो मैं दोस्तों सूरज से बड़ा हूं, जुगनु हूं मगर रात के सीने पे खड़ा हूं। इस दौर की बीनाइयां कमजोर है शायद, हीरा हूं मगर कांच के टुकड़ों में पड़ा हूं। मोहतरमुल मकाम अख्तर इलाहाबादी साहब माइक पर, और मैं चाहूंगा कि एक बार पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कर दे, शाम को खूबसूरत बना दे। शुक्रगुजार हूं मुन्ना भाई का, शकील आजमी साहब का। बिना किसी तमहीद के चार मित्रों से अपने शेर सफर का आगाज करता हूं। अर्थ क्या है? नहाय वो चीन मेरा और ना वो जापान मेरा है। वाह। न है वो चीन मेरा और ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। बहुत अच्छे। न है वो चीन मेरा और ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूं न पाकिस्तान मेरा है। वो मेरी कुर्बानियां तारीख के पन्नों में लिखी हैं, मैं ये दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान मेरा है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। वाह जी, मैं फिर से हाजिर करता हूँ। क्या बात है। न है वो चीन मेरा और ना वो जापान मेरा है। न है वो चीन मेरा और ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है। न है वो चीन मेरा और ना वो जापान मेरा है, न मैं लंदन से आया हूँ न पाकिस्तान मेरा है। मेरी कुर्बानियां तारीख के पन्नों में लिखी हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान मेरा है। हिंदुस्तान मेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूँ दोस्तों। अरे वाह वाह वाह, अख्तर भाई पढ़िएगा। चार मिसरे और बिना तमहीद के पढ़िए। हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। क्या बात है। हमारी भूल है कि हम हमारी भूल है कि हम जिन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी कौम को वो लोग दहशतगर्द कहते हैं। और हमें अगर आजमाना है तो खुलकर सामने आए, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। वाह 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 वाह। हमें अगर आजमाना है तो खुलकर सामने आए, पता पल भर में चल जाएगा किसको मर्द कहते हैं। दोस्तों वक्त कम है, सिर्फ मैं पांच मिनट ही पढ़ूंगा, बल्कि चार मिनट ही पढ़ूंगा। चार मित्रों पढ़ता हूं कि दिखाकर नोटबंदी और जीएसटी के तमाशों को, दिखाकर नोटबंदी और जीएसटी के तमाशों को, उसे छीना है तूने जो गरीबों का निवाला है। दिखाकर नोटबंदी और जीएसटी के तमाशों को, उसे छीना है तूने जो गरीबों का निवाला है। और तू है फिरौन, तेरे जुल्म की हस्ती मिटाने को कोई मूसा का लश्कर फिर यकीनन आने वाला है। कोई मूसा का लश्कर फिर। सिर्फ अभी तक मैंने डेढ़ मिनट पढ़ा है, दो कथा और पढ़ूंगा। अर्थ क्या है? जतन ओ लाख कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता। वाह। जतन ओ लाख कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता, लगा है दाग जो दामन पे हरगिज धो नहीं सकता। जतन ओ लाख कर डाले पर ऐसा हो नहीं सकता, लगा है दाग जो दामन पे हरगिज धो नहीं सकता। मैं वो कहता हूं जो इस्लाम की तारीख कहती है, कोई कातिल मुसलमान का मसीहा हो नहीं सकता। कोई कातिल बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। आखिरी चार मिसरे, वक्त बहुत कम है दोस्तों, थोड़ी छोटी सी तमहीद है। आज हमारा मुल्क पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ रहना चाहते हैं, साथ रहते भी हैं, लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात कहते हैं। मैं सिर्फ चार मिसरे पढ़ता हूँ आखिरी, अगर शेर सच्चा लगे तो दुआ से नवा दिएगा। आखिरी चार मिसरे दोस्तों, अर्थ क्या है? हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। हमारे अज़्म को दुश्मन हमारे जान जाएंगे, अगर तारीख पढ़ लेंगे तो फिर पहचान जाएंगे। यही पैदा हुए हैं हम, यही पर दफन भी होंगे, गलत फहमी में
वाह।